सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खान पान से जुड़े प्रतिष्ठानों को मालिकों के नाम लिखने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है और तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा। कोर्ट में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल ये बताना चाहिए कि उनके पास कौन से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने उक्त आदेशों की वैधता और निर्माण के बारे में पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश था और वे कहते हैं कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये स्थिति चिंताजनक है, ये एक छद्म आदेश है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि ये जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाए। इन आदेशों में सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि क्या कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु ये उम्मीद करते हैं कि भोजन किसी खास श्रेणी के मालिक द्वारा पकाया जाना चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 26 जुलाई को अपना अंतिम निर्णय सुना सकता है। पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर टल गई। कोर्ट कल फिर इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नीट परीक्षा में जिस प्रश्न संख्या 19 के दो जवाब सही थे उसका सही जवाब तय करने के लिए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके आज शाम तक सही जवाब तय करे। कल फिर इसकी सुनवाई होगी। ये निर्देश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एनटीए एनसीईआरटी के दो उत्तरों वाले सवाल पर ग्रेस मार्क्स देने पर घिरता दिखा। विवादास्पद प्रश्न के लिए ग्रेस अंक देने के विरोध में दायर याचिका पर वकील ने कहा कि इस अस्पष्ट प्रश्न के लिए दिए गए ग्रेस अंक के कारण 44 छात्रों को पूरे अंक मिले। मैंने इस प्रश्न को छोड़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर मुझे इस प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते तो मेरी रैंक और बेहतर हो जाती या इस प्रश्न को हटाया जाना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, ये एक ताकतवर तर्क है। नई एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही उत्तर है, तो विकल्प 2 का उत्तर देने वालों को पूरे अंक नहीं दिए जा सकते। मुझे लगता है कि उनकी बात सही हो सकती है। उन्होंने कहा, हमें चिंता इस बात की है कि आपने जो किया है उसका लाभ 4 लाख से अधिक छात्रों को मिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि विकल्प 2 को अब गलत माना जाता है तो 4,20,000 छात्रों को 4 अंक गंवाने होंगे और एक नकारात्मक अंक भी मिलेगा। जिसके बाद कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टालते हुए इस प्रश्न का सही उत्तर तय करने के लिए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर सही जवाब तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, वे सही विकल्प पर राय तय करें और कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। हाई कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस मामले की सुनवाई अब उस बेंच के समक्ष होगी जिस बेंच के सदस्य जस्टिस अमित शर्मा नहीं होंगे। बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट ने 28 मई को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से त्रिदीप पेस ने कहा था कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बार बार नाम लेने और झूठ बोलने से कोई तथ्य सच साबित नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि उमर खालिद के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चलाया गया। पेस ने कहा था कि जमानत पर फैसला लेते समय कोर्ट को हर गवाह और दस्तावेज का परीक्षण करना होगा। उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंजालवेस और शेमा सेन के मामले का जिक्र करते हुए उमर खालिद की जमानत की मांग हाईकोर्ट से की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के सामने सोमवार को धार स्थित भोजशाला की एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमन की बेंच ने सुनवाई की।
रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से विचाराधीन है और सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर स्टे लगा हुआ है, ऐसे में जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सर्वे रिपोर्ट से स्टे हटा लेगा तब हाईकोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैं। इस मामले में 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सशर्त जमानत देते हुए आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत दी है, वो लखीमपुर खीरी नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की एक तिथि पर कम से कम 5 गवाहों के बयान दर्ज होने चाहिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि अब आशीष मिश्रा के पिता सांसद नहीं है, ऐसे में अब जांच प्रभावित होने की आशंका नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि पिता सांसद हो या नहीं, वे प्रभावशाली हैं। पहले की जमानत शर्तों के मुताबिक आशीष मिश्रा दिल्ली और यूपी नहीं जा सकता था, लेकिन अब उन शर्तों में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2023 को आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेट रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को शेयर करें।